कार्ड, प्रधानमंत्री आवास योजना, ये सब का लाभ मिला है आप? नहीं, ये सब का कोनो लाभ नहीं मिला अभी तक। जी, आपने मुखिया से या किसी से ऐसा कहा कुछ? हम कहे हैं मुखियों को, बोला कि ठीक है अगला बार हम करें, जो आप जीत करके जाएगा वो दोबारा नहीं आता है। हाँ। देंगे कह करके टाल देता है। जी, मतलब वोट देते हैं आप लोग? हम लोग सर जमीन जो वोट है वो देंगे ना, बर्बाद के लिए जो है कुछ तो कुछ करना ही पड़ेगा, चाहे कोई सरकार देने वाला नहीं है, चाहे नीतीश कुमार हो, चाहे लालू यादव का हो, चाहे उसका बेटा तेजस्वी यादव हो, सब सरकार घोषणा करता है। सर जमीन पे कोई सरकार नहीं है। जो विश्वकर्मा योजना घोषणा किया था वो भी हम लोग आता कोई लाभ नहीं मिला है। बोला कि बैंक में जाकर पता कीजिए, हम लोग सब सारे बैंक में जाकर पता किए तो बोला कोई चिट्ठी नहीं आया है, सिर्फ नाम ही घोषणा ही होता है ना, कोनो लाभ ना। हम लोग सरकार से कोई फायदा नहीं, कमा खाते हैं ही बहुत, कमाते खाते हैं, जिंदगी चल रही है किसी तरह। 40 डिग्री टेम्परेचर में ये भट्टी चला। हमने पप्पू सिंह को फोन किए, अगर पप्पू सिंह यहाँ पर आता ना तो हम लोग खून देकर उसको वोट दिलाते हैं। क्या मेरा लहास पानीपत से सरसी तक उन्हीं का देन है। पप्पू यादव को हमने फोन किया एक कॉल में, मेरा लहास जल रहा था वहाँ पर, बोला हम एक 20 मिनट पहुँच रहे सरसी, और पप्पू यादव हम लोग लहास जला के घर आए, वो पहुँच गया। हम उसको मानेंगे कि संतोष जी को मानेंगे, बताइए। नहीं, बिहार में टेम्परेचर 40 डिग्री से ऊपर है, जिस जिले में हम हैं वहाँ भी गर्मी अपने जोर पर है, दूसरी तरफ चुनावी तपीस भी जबरदस्त है। इस बीच नेताओं का दौरा लोगों को कहीं सुकून दे रहा है तो दर्द को और बढ़ा रहा है। लेकिन हम बैठे हैं, आप देखिए ये भट्टी है, बहुत प्राचीन जमाने से ये लोग दराती और ये हंसिया ये इस तरह का सामान बनाते हैं, हथौड़ी भी बनाते हैं, तमाम तरह के, मतलब जो ग्रामीण इलाके में जो प्रयोग होता है वो तमाम सामान ये बनाते हैं। अब इस गर्मी में, भीषण गर्मी में भी भट्टी ये चला रहे हैं और लोहे को पीट कर, हाथों से पीट कर, कोई मशीन नहीं है यहाँ, इस भट्टी में लोहे को गलाते हैं और उससे सामान बनाते हैं और गांव के किसान इसे ले जाते हैं। लेकिन इस चुनावी तपीस में इनसे जानना चाहते हैं कि जब हम विकास की बात करते हैं, जब रोजगार की बात करते हैं, जब महंगाई की बात करते हैं, जब जीवन चलाने की बात करते हैं, तो 40 डिग्री से ऊपर टेम्परेचर में भट्टी के बीच, चल रही भट्टी के बीच इनकी सोच कहाँ जा रही है? क्या ये भी सियासत समझते हैं, या सियासत जो कहता है, जो प्रधानमंत्री कहते हैं, जो तेजस्वी यादव कहते हैं, या तमाम अन्य नेता कहते हैं, उनका क्या असर है इन पे? ये क्या सोचते हैं, इनसे भी बात करते हैं चूँकि चुनावी माहौल है। क्या शुभ नाम है आपका भैया? दिलीप शर्मा जी। शर्मा जी हैं आप? जी। आप हम लोग बड़ी हैं। बड़ी हैं और ये लोहार का काम करते हैं? हाँ, इसलिए कर रहे हैं कि धंधा तो सब करना होगा ना, 2 टका कमाने के लिए हर धंधा करना होगा, नहीं करेंगे तो 2 टका आएगा ना, हम लोग फिर इधर आगे गुजारा करेंगे कैसे? गुजारा करेंगे कैसे? देखिए, कहा जाता है ना कि आपके पास अगर थोड़ा सा स्किल हो, हम पहली दफ़ा ऐसा देख रहे हैं कि ये बढ़ई जाति से हैं और ये लोहार का काम अपना लिया है, ये लोहे का काम करते हैं, भट्टी चलाते हैं, भट्टी में लोहे को गला करके और किसानों के लिए ग्रामीण इलाकों में प्रयोग होने वाले औजारों को बनाते हैं, ये तमाम औजार मौजूद है। दिलीप जी, अभी आपका इससे प्रतिदिन का आय कितना होगा, कैसे जीवन चलता है? आय वही होता है, 200-400 टका हो जाता है। कितना बाल बच्चा है आपके? आपके बाल बच्चे कितने? वही 5 तो है, 5 मोटा मोटी। ये काम कब से कर रहे हैं? करीब हो गया 10-20 साल से यही हुआ। नहीं, 10 साल 20 साल में अंतर, मतलब 20 साल? हाँ, 20 साल मोटा मोटी रखिए ना। 20 साल से है? 20 साल से। 20 साल में तो बहुत सारे नेताओं को देखे होंगे है? अभी जो पोजीशन है, 20 साल में आप तमाम नेताओं को देखा है आपने, ये क्या मतलब, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, महंगाई, बहुत सारी चीज़ें हैं, बाल बच्चे आपके बाल बच्चों को पढ़ाया आपने आज तक जो है ना,
कितना हम लोग का है लेकिन कोई असर नहीं होता है। बाल बच्चा आपका पढ़ा, ये काम करके आपने पढ़ाया बाल बच्चा? पढ़ाए हैं। अच्छा, क्या करता है सब बच्चा लोग? दोनों में है अभी, वो गाड़ी चला रहे हैं। गाड़ी चला हाँ जी। कहाँ तक शिक्षा दीक्षा हुई उसे? उसका 9 तक हुआ है। अच्छा, 9 तक हुआ। तो जीवन चलाने का एकमात्र साधन आपके पास ये है? बस एक तो अपना गाड़ी बाल बच्चा जो है कि इधर उधर करता है। लिया कि कोई स्वास्थ्य वगैरह दिखाने के लिए या बाकी ये सब क्या व्यवस्था है यहाँ? आप लोग कहाँ जाते हैं? हम बनमनखी जाते हैं। बनमनखी स्वास्थ्य केंद्र में जाते हैं? नहीं, वो सब ठीक है व्यवस्था? वह सब ठीक है, वहाँ ठीक है, सरकारी सुविधा मिल जाती है, बच्चे भी पढ़ जाते हैं। सरकारी हॉस्पिटल जो जाते हैं ना, वहाँ सुविधा हर चीज़ का मिल जाता है। जी, तो जो विकास की बात सरकार करती है, मोदी जी भी आए थे है ना, और सांसद भी यहाँ के कई नेता हैं, विधायक हैं, मैंने कई स्तर पर नेता हैं, मुखिया हैं, सारे लोग हैं, तो क्या सरकारी योजनाओं का लाभ कुछ मिलता है आपको? हम लोग को अभी तक कोई लाभ नहीं मिला है। और बोलिए, राशन वगैरह तो मिल रहा है ना? जय आदमी है वह आदमी के इनूट जोड़ करके दे रहा है ना। हाँ, इनूट जोड़ के देता है वही। अब कोटा वाला सब जो है अपना इनूट बचा के काम करता है, उसमें हम लोग बोलेंगे क्या? राशन मिल जाता है, आयुष्मान कार्ड, प्रधानमंत्री आवास योजना, ये सब का लाभ मिला है आपको? नहीं, ये सब का कोनो लाभ नहीं मिला अभी तक। नहीं मिलता जी। आपने मुखिया से या किसी से ऐसा कहा कुछ? हम कहे हैं मुखियों को, बोला कि ठीक है अगला बार हम करेंगे। चुनाव जो जीता ना, हाँ। अभी तक कोई सुनवाई ना है, कोई सुनवाई नहीं। ये मूल है कि सरकारी योजनाओं का लाभ अगर आप नहीं चिल्लाते हैं, आपकी बात, आधार कार्ड वगैरह बना हुआ है? हाँ, सब बना हुआ है, उसके बावजूद नहीं मिलता है कोई? आप राष्ट्रीय स्तर पे यहाँ न्यूज़ वगैरह तो आप देखते ही होंगे, कोई नेता अच्छा लगता है आपको? नेता अब क्या कहिएगा, अब यहाँ से 10 का लाठी 1 का बोझ। अच्छा। जो जीत करके जाएगा वो दोबारा नहीं आता है। हाँ। देंगे कह करके टाल देता है। टाल देता है जी, मतलब वोट देते हैं आप लोग? हम लोग सर जमीन जो वोट है वह देंगे ना, बर्बाद नहीं है ना करेंगे, उचित जो लगेगा वह तो करना होगा ना। अगर उचित करेंगे तो कल नहीं बनेगा। इससे पहले किसको देते थे? इससे पहले तो फूल छाप को दिए थे जी। भरोसा है कि टूट गया? नहीं, भरोसा तो है, ये है भरोसा है जी। आज नहीं मिलेगा, 5 साल के बाद मिलेगा, तो भरोसे पे आदमी जीता है। भरोसा उसी पे जो फूल के साथ है ना जी, इसलिए हम लोग पीछे नहीं हटते हैं, 2 टका कमाते हैं, आराम से जिंदगी बिताते हैं। पहले से, आप 20 साल से कर रहे हैं, पहले से और आज में कितना अंतर? अभी तो प्रकृति बदल गया है ना, धरती आसमान का फर्क है ना जी। पहले तो 4-8 आना कचिया चल रहा था, अब तो वही है कि 5-10 टका जो चल रहा है वही चल रहा है, रेट बढ़ गया, हर चीज़ का बदल हो जाता है रेट जी। तो इसके नज़दीक बैठते होंगे इतनी गर्मी में, तो बीमार वगैरह भी पड़ते हैं कभी? बोले तो सरकारी हॉस्पिटल बनवन की जाते हैं। इसका असर होता है कि यूज टू हो गए? उसका असर नहीं होगा, गर्मी है तो गर्मी में गर्मी टकराव होगा तो बीमार हो नहीं करेगा। ये मतलब आप कह सकते हैं कि मजबूरी में ये मजदूरी है ना? मजबूरी तो करना पड़वे करेगा ना, नहीं कीजिएगा तो पेट को कहाँ दे आइएगा, बाल बच्चे को कहाँ दे आइएगा? ये 40 डिग्री टेम्परेचर में काम करने को मजबूर हैं लोग। और देखिए इधर भी एक भाई साहब हैं जो लोहे को गला रहे हैं, आप देखिए लोहे को गला करके फिर उसको पीट करके ये फिर उसको अपने ढंग से, ये क्या बन रहा भाई साहब? ये हल है, हल जोतने वाला। अच्छा, ट्रैक्टर का हल भी बना लेते हैं? बनाते नहीं हैं। हाँ, वो फार जो है पेड़ में लगने बाद टेढ़ा हो गया है। हाँ। उसको सरा करना है दीपा के। ठीक है, ठीक है। और क्या क्या बनाते हैं आप लोग? क्या शुभ नाम हुआ आपका? मेरा नाम है विष्णुदेव शर्मा। विष्णुदेव जी, तो हम तो आप लगता है आप एक ही गोतिया के लोग हो? हम लोग चार, हमारा बाबूजी 4 भाई था। हाँ। ठीक है, 2 भाई उधर है, 2 भाई इधर है। तो ये आप लोग क्या क्या बना लेते हैं? हम लोग फार, खुरपी, पसनी, दबिया। हाँ। अगर वगैरह सब बनता ही है जी, जी।
लकड़ी का भी काम होता है, लकड़ी का ही काम होता है। माने हम वही हैं, बड़े ही लोग भी और लोहार का काम। हाँ बड़ी है, लोहार काम करते हैं। समझे, आगे में कितना कमाई हो जाता है? 200-250 कभी कल पूछता है, कभी कल। हाँ कभी कल, मतलब एक जो मजदूर को मिलता है वही वो नहीं होता है। परिवार चलाने के लिए जो है कुछ तो कुछ करना ही पड़ेगा, चाहे कोई सरकार देने वाला नहीं है, चाहे नीतीश कुमार हो, चाहे लालू यादव का हो, चाहे उसका बेटा तेजस्वी यादव हो, सब सरकार घोषणा करता है, सर जमीन पे कोई सरकार नहीं होता है। ये नीतीश कुमार हो चाहे तेजस्वी यादव हो, नेताओं से विश्वास उठ गया। हाँ नेताओं से विश्वास उठ गया है, वो अपने पेट भरने के लिए अपना परिवार चलाने के लिए धंधा करता है जितना है, और राज करना है, राज करने के लिए जो है नेता लोग अपना रोटी सेकता है। संतोष कुशवाहा हो, कृष्ण कुमार भारती हो, चाहे कोई भी नेता हो, पूर्णिया जिला का संतोष कुशवाहा सांसद माननीय मेरा बनमनखी के विधायक है कृष्ण कुमार भारती, वो भी वैसे हैं। बनमनखी से निकलते हैं तो पूर्णिया रुकते हैं, पूर्णिया निकलते हैं बनमनखी रुकते हैं, सर सी का जनता से उसको कोई मतलब नहीं है, नहीं है। ये जान लीजिए प्रधानमंत्री जो विश्वकर्मा योजना घोषणा किया था, वो भी हम लोग आता कोई लाभ नहीं मिला है। बोला कि बैंक में जाकर पता कीजिए, हम लोग सब सारे बैंक में जाकर पता किए तो बोला कोई चिट्ठी नहीं आया है, सिर्फ नाम ही घोषणा ही होता है। सुन लीजिए ये दर्द है, प्रधानमंत्री तक भी ये बातें जो बीजेपी के नेता हैं उन्हें भी समझना चाहिए। हाँ कैडर वोट है बीजेपी का, एकदम कैडर है, आप कैडर वोट हैं, लेकिन इस बात नहीं देंगे, गुस्सा है। संसद जी अगर किसी चमार कुत्ता देता वोट ना मोदी जी तो वो जीत जाता बीजेपी से, चाहे जदयू से, लेकिन बीजेपी का कहाँ जदयू, जदयू एनडीए के, एनडीए तो है ना बीजेपी जदयू का कि नहीं है। मोदी जी आते हैं, नीतीश जी आते हैं तो दोनों एक ही मंच में नहीं बैठते हैं, अलग अलग बैठते हैं। नहीं बताइए कि मोदी जहाँ बैठते हैं नीतीश जी बीच में बैठते हैं, नहीं होता है, वो एक ही मंच में बैठता है। गठबंधन गठबंधन हो गया है, जो भी है गठबंधन रहे चाहे अन्यथा नहीं रहे, जिस टाइम गठबंधन नहीं था मोदी जी का उस टाइम ही घोषणा किया गया था, बड़ी समाज का लवा हो, हलवाई हो, जो भी जात हो, सारे जात के लिए घोषणा किया गया था। 5 लाख 6 लाख करता है बाल बच्चा आपका? मेरा बाल बच्चा पढ़ लिख के बीए किया हुआ है, 2 लड़की है, वो एमए किया हुआ है, छोटी लड़की, बड़ी लड़की मैट्रिक किया हुआ है, 2 लड़का बीए किया हुआ है। ये सवाल है जो सियासत को सोचना और समझना चाहिए, और हमेशा हम कहते हैं, आपका क्या नाम है भैया? देखिए ये तमाम लोग हैं जो बता रहे हैं कि कैसे, क्या शुभ नाम हुआ आपका? मनोज शर्मा। मनोज जी सब आप लोग भाई हैं? भाई हैं, है ना, आपका भी यही काम है? हाँ है ना। तो मतलब ये गुस्सा सरकार से है कि जो योजनाएं हैं उसका लाभ हमें नहीं? ना कोनो लाभ ना, हम लोग सरकार से कोई फायदा नहीं, कमा खाते हैं ही बहुत हो गया, कमाते खाते हैं, जिंदगी चल रही है किसी तरह, 40 डिग्री टेम्परेचर में ये भट्टी चला चला के काम कमा कर खाते हैं बस, हो ये मजबूरी है। अगर कुछ अच्छा होता, दुकान का भी शक्ल सूरत देख लीजिए, ये बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है, अब ये किसी किसी तरह मड़ई डाल के इसको चलाते हैं, तो लोहा का भी काम कर लेते हैं और लकड़ी भी बना लेते हैं, लकड़ी का भी काम करते हैं। हाँ नहीं ठीक है, तो आप वोट तो देते होंगे 20-25 सालों से ना, तो नेता कौन अच्छा लगता है? क्या हम कुछ नहीं बता पाएंगे, कुछ नहीं बताएंगे। हाँ दिलीप जी कुछ कहना चाह रहे थे आप? हम ये कह रहे थे मेरा भेजना 2 दिसंबर को हाँ 2 दिसंबर को लुधियाना में एक्सीडेंट किया था, हम लोग संतोष कुशवाहा फ़ोन किए थे समझे, लेकिन उनका आदमी बोला कि संतोष यहाँ नहीं है, वो दिल्ली में है, ठीक है उसको बोल देंगे, आज तक बोलते रह गया, लगभग 5 महीना बीतने जा रही है, समझ रहे हैं? ये है ना बादों हैं बादों का। उस मैटर में हमने पप्पू सिंह को फ़ोन किया, अगर पप्पू सिंह यहाँ पर रहता ना तो हम लोग खून देकर उसको वोट दिलाते हैं, क्या है मेरा लहास पानीपत से सरसी तक उन्हीं का देन है, उदय सिंह जी का। एक कॉल किए उनको हम, बोला उनको अकाउंट नंबर भेजो, उनके बच्चा के अकाउंट नंबर भेजा, 8 टका डाल दिया, मेरा लहास घर आ गया। ये है नेताओं, कुछ नेता ऐसे होते हैं जो इनकी बात सुन लेते हैं। किस कुमार भारती को फोन किया गया, बोला कल विधानसभा चल रहा है मेरा, ये विधानसभा 10 दिन चल रहा था, 15 दिन चला, उसके बाद कहाँ गया था? सलाम मारने के बाद हुलकी कोई MLA MP हुलकी नहीं मारता है। पप्पू यादव को फोन किया एक कॉल में, मेरा लहास जल रहा था वहाँ पर, बोला हम 20 मिनट में पहुँच रहे सर जी,
और पप्पू यादव हम लोग लाश जला के घर आए, वो पहुंच गया। हम उसको मानेंगे कि संतोष जी को मानेंगे, बताइए। नहीं बिल्कुल, पप्पू यादव के लिए हम लोग जान दे देंगे, सीधा बात है। ठीक है, ये पप्पू यादव के लिए जान दे देंगे। कहा जाता ना, बादों हैं बादों का क्या। नेता जो होते हैं, नेताओं से नाराजगी होती है जब आप जनता के बादों पर खरा नहीं उतरते, उनके अनुसार, उनकी नीतियों के अनुसार, यानी जन नीति के अनुसार आप काम नहीं कर पाते। आपकी जो नीति बनती है और उसके बाद आपकी नीयत जब ठीक नहीं होती है तो जनता विद्रोह करती है। विद्रोह कैसे? चूँकि ये चुनाव 5 साल बाद आता है और जनता ही जनार्दन होती है, चुनावों के अंदर जनार्दन होती है। तो सवाल तो यही है, जब मालिक का समय आया है तो मालिक अपना हिसाब किताब जरूर करेगा। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना।